भोपाल पहुंचे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने ये कहा है कि जिन 30 सीटों पर कांग्रेस कमजोर है वहां पर सेवा दल कैंपेनिंग करेगा। लालजी देसाई ने बीजेपी के कब्जे वाली इन 30 सीटों पर माइक्रो लेवल पर सेवा दल के मजबूत होने का दावा भी किया है। देसाई ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि संघ झूठ की बुनियाद पर चल रहा है, संघ अपने कार्यकाल में तिरंगा क्यों नहीं लहराता है और संघ का अपना झंडा और अपना गान अलग से क्यों है। देसाई ने प्रदेश में गुटबाजी के सवाल पर ये कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की नेतागिरी यूनाइटेड में वे पर काम कर रही है। देसाई ने सेवा दल के नेताओं को टिकट मिलने के सवाल पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी सेवा दल के मजबूत उम्मीदवार को मौका देगी, पार्टी स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों के नामों को रखा गया। गुजरात में बेचते थे और सपने बेच बेच कर हम लोग ये कहते हैं कि 30 सीटों में हमारा घनिष्ठ कैंपेन है, जो 30 जो है जहां पर बीजेपी लगातार जीती है और जनता के साथ धोखाधड़ी करके वादा कर करके सपने दिखाकर वहां पर उनके तो बड़े महल हो गए हैं पर जनता के कमरे छोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसी 30 सीटों ने हमने चुना है।